इसका क्रेज है, इसका इतना क्रेज है कि मुझको कॉल करके आना पड़ता है, बोलता भैया ठीक है ये टाइम पे आ जाइएगा, मतलब पहले से ही इसका काम बोलता है, हम लोगों को अलग से इसका प्रचार नहीं लगेगा, काम इसका बोलता है। सब अलग है, नहीं डिफरेंट है, ये बेटर है, मतलब ये लोकल में जो है ना सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से। अगर रैंकिंग दिया जाए ना 10 out of 10, जो यहाँ पे जो चार्जेज है वो बहुत नॉमिनल है। अंदर का जो फेशियल है उसको 200 करेंगे, और ब्लीच है उसका भी 300 से स्टार्टिंग है, उसका भी 200 करेंगे ऑफर के, माने 2 दिन रखेंगे ऑफर में ईद के लेकर के। आज के दौर में चाहे नौजवान हो या बूढ़े, सभी अच्छा खाना और अच्छा पहनना पसंद करते हैं, और सबसे बड़ी बात है अच्छा दिखना। हर कोई चाहता है कि वो अच्छा दिखे, और अच्छा दिखने में हेयर स्टाइल काफ़ी अहम रोल अदा करता है, और अभी तो अलग अलग स्टाइल के दाढ़ी रखने का चलन है, नौजवानों के लिए अभी एक फैशन बन गया है। कमट्टी आबादी में संतोष हेयर स्टाइल सलून अभी काफ़ी चर्चे में है, लोग यहाँ हेयर कट, सेविंग्स व दीगर सुविधाएँ लेकर संतोष हेयर स्टाइल सलून से काफ़ी मुतमईन है। लोगों का कहना है कि मुनासिब कीमत पर जो सुविधाएं यहां मिलती हैं वो और कहीं नहीं मिलती। आइए देखते हैं आगे खबर में संतोष हेयर स्टाइल सलून के ऑनर और इस दुकान से सुविधा ले रहे जो कुछ ग्राहकों का क्या कहना है इस दुकान के मुतल्लिक। अब आप शुरुआती ही हमेशा एक ऐसे सवाल से करते हैं जिसका जवाब देने से पहले सोचना पड़े। संतोष एक बहुत बेहतरीन कमहट्टी में, अगर देखा जाए कमहट्टी के हिसाब से, कमहट्टी की आबादी में संतोष बहुत कम रेट में हाई प्रोफाइल जो सैलून जो खिदमत करते हैं, जो सर्विस देते हैं, वो तमाम सर्विस संतोष बहुत कम रेट में देता है। इसलिए हम मेरे जैसे गरीब काउंसलर यहाँ पे आते हैं, वो तो वही बताएगा मेरे, देखिए नॉर्मली हेयर कट है, शेविंग है, इसके अलावा वो फेशियल वगैरह भी करता है। और मतलब ये आपको मीडिया में बोलने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मतलब इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ आने के बाद से सच में चेहरे का रौनक थोड़ा सा तब्दील हुआ है, इतना बेहतरीन ये है। और मुझको बोलना नहीं पड़ेगा, कमट्टी में बहुत सारे यंगस्टर, मैं जब आता हूँ मुझको भी लाइन लगाना पड़ता है भाई, कॉल करके आना पड़ता है, इतना ज़्यादा ये क्यों बोलूँ, मतलब इतना इसका क्रेज़ है, इसका इतना क्रेज़ है कि मुझको कॉल करके आना पड़ता है, बोलता भैया ठीक है ये टाइम पे आ जाइएगा, मतलब पहले से ही इसका काम बोलता है, हम लोगों को अलग से इसका प्रचार नहीं लगेगा, काम इसका बोलता है। अनजान नहीं है मुझको जहाँ तक पता है। फर्स्ट फ्लोर पे आप आइए, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कितने सैलून दुकान है जिनका बाहर कोई बोर्ड नहीं है, और उनके पास लड़के बाहर लाइन लगा के खड़े रहे, ऐसा मैंने बहुत 3-3, 4-4 घंटे लड़के खड़े बैठे रहते हैं, हमने देखा है। यकीनन देखिए, मैं तो पार्टिकुलर किसी को मैं प्रमोट कर नहीं सकता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं सेटिस्फाई हूँ। यहाँ पे कब से हेयर कटिंग करवा रहे हो? मतलब 3-4 साल। बोलने का मतलब आ जाएगा, बोलेगा कैसा सर्विस का? बहुत अच्छा, क्योंकि आज के रेट में लोग धक्का हुआ अच्छा नहीं आ रहा, पसंद कर नहीं किया तो अच्छा दिखने के लिए क्या करें, सलून में कितना आप सेटिस्फाइड है? बहुत, 100%। और कौन सा मतलब एक्टिविटी संतोष सलून का ज्यादा अच्छा लगता है? बात तो हो रहा, हम लोग विशाल भाई सब कोई बाल सब, हम लोग हेयर कट के अलावा जो है फेशियल है, ब्लीच है, क्रेटिंग है, डिटेन है, और स्ट्रेटनिंग है, माने हर माने प्रोडक्ट का जो है यूज करने की कोशिश करते हैं और सेटिस्फाई देने की कोशिश करते हैं कि आदमी जो यहाँ पे आए तो सेटिस्फाइड होकर के यहाँ से जाए। जो फेशियल वगैरह इस्तेमाल करते हैं कौन से ब्रांड के फेशियल किट्स हो? हम लोग जो है यहाँ पे हार्वस ज़्यादा यूज़ करते हैं, और इसके अलावा जो है हम लोग सहनाज का यूज़ करते हैं, लोटस का यूज़ करते हैं, और स्ट्रेटनिंग में आपको मैटिक्स आता है, लोरियल आता है, और क्रेटिंग जो है प्रोटीज का यूज़ करते हैं हम लोग, तो हम लोग का सब बाहर से माल आता है, यहाँ का लोकल यूज़ नहीं करते। क्या हम लोग का हेयर कटिंग का चार्ज है 70 रुपया, और सेविंग्स है 50 रुपीज़। अच्छा, इसके अलावा जो फेशियल कितना मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक? हम लोग का फेशियल जो है 300 से स्टार्ट है। मैक्सिमम कितना? आप मैक्सिमम आपको 2000, आप 1500 ये सब समथिंग जाता है। ये आबादी वीडियो पर फैमिली के लोग ज़्यादा हैं, तो किस तरह का यहाँ पे ज़्यादा लोग फेशियल यूज़ करते हैं? फेशियल हम लोग यहाँ के आबादी के हिसाब से रखे हैं, 300 से स्टार्ट रखे हैं, नॉर्मली स्टार्ट रखे हैं, हालांकि ये सब ब्रांडेड माल है, इसलिए जो है माने कि कॉस्टली थोड़ा सा पड़ जाता है, और हम लोग कोशिश करते हैं कि से जितना हो सके और कम रेट हो जाए तो और बढ़िया है, कम में हो जाए तो, इसलिए 300 से स्टार्ट करते हैं हम लोग। ऐसे तो देखिए हम लोग सोचे हैं कि
ईद के चांद रात के दिन हम लोग कुछ ऑफर रखेंगे इस पर, जो हम लोग का जो 300 का जो फेशियल है उसको 200 करेंगे, और ब्लीच है उसका भी 300 से स्टार्टिंग है, उसका भी 200 करेंगे ऑफर के, माने दो दिन रखेंगे ऑफर में ईद के लेकर के, कहीं नहीं बेशक हो सकता है। हेलो, मेरा रेट जो है कमट्टी के हिसाब से रखा गया है, बहुत नॉर्मल रखे हैं हम लोग, ठीक है ना, हेयर कट के, माने कि हम लोग के यहाँ जो स्टाइल जो होता है बहुत रकम का होता है, जैसे कि हम लोग हेयर में जो है टैटू वगैरह भी कर देते हैं हेयर से ही, तो उस हिसाब से बाहर में जाइएगा तो आपको रेट काफ़ी कॉस्टली पड़ता है, वहाँ पे जाइएगा तो कम से कम 300 से तो स्टार्ट होगा कम से कम, मेरे पास आपको 70 रुपया से मैंने हम लोग वहाँ पे कर देते हैं जो हेयर, माने कि हेयर में टैटू वगैरह जो बनता है हेयर से ही बनता है, वो सब हम लोग बनाते हैं, लेकिन हम लोग कमेटी के हिसाब से ही हम लोग रेट रखे हैं यहाँ पे। हम लोग कोर्स किए हैं नॉर्मली, ऐसे हाई प्रोफाइल में तो कोर्स नहीं किए, लेकिन हम लोग माने कि नॉर्मल ही दुकान में हम लोग कोर्स किए हैं। इसके अलावा इससे पहले कहीं आप काम करते थे या आपका ये पहला अपना दुकान है? नहीं नहीं सर, इसके पहले हम बहुत जगह पहले हम काम किए हैं, उसके बाद जो है अपना किए हैं। यार भाई आप तो बाहर भी अपना हेयर कट करवाते हो, हां संतोष यहां पे कटा कर कितना सेटिस्फाइड है आप? यहां तो भाई यहां ये लोकेलिटी में ना, इससे बेहतर तो मुझे नहीं लग रहा कोई ऑप्शन, बहुत जगह ट्राई किए नहीं समझ में आया, तो फिर आजाद जो है बताया कि यहाँ एक बार देखिए करा के, करा है तो यहाँ फुल्ली सेटिस्फाई है। जब जब यहाँ है कलकत्ता में जितना दिन से, अभी लगभग एक साल से तो हम हैं यहाँ, चाइना में जो हेयर कट कटवाते होंगे सब अलग है, नहीं डिफरेंट, ये बेटर है, मतलब ये लोकल में जो है ना सबसे बेस्ट है मेरे हिसाब से, अगर रैंकिंग दिया जाए ना 10 out of 10। जो यहाँ पे जो चार्जेज है वो बहुत का बहुत नॉमिनल है ना के जैसा। हाँ नॉर्मली क्या होता है कि लोग ज़्यादा जाते हैं अभी भी बड़े बड़े हेड टर्नर्स में जाते हैं? नहीं नहीं, हम तो वो कौन सा है वहाँ पे हेड टर्नर, हेड टर्नर उसके पास हेयर और इसका वो 550 ऐसे कुछ डील करता था, उसमें भी हम सेटिस्फेक्शन नहीं था, सेटिस्फाई नहीं था, तो फिर यहाँ है, यहाँ क्या मामूली बाल और ये वो मेरे ख्याल से 120 रुपया है बाल और दाढ़ी, फुल्ली बच्चा टैलेंटेड है, हाँ दम है। पहले आपके चैनल के सभी व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि लोग शेविंग कराते हैं, बाल कटाते हैं बेहतर दिखने के लिए, और अगर आप कहीं दूसरे जगह करवा लीजिए जो आपके मन मुताबिक काम नहीं होता है तो अंदर से लगता है कि हम फ्रेश नहीं हैं, तो यहाँ अगर आप हेयर कटिंग करवाते हैं, शेविंग करवाते हैं, फेशियल करवाते हैं या जितने भी प्रकार के काम होते हैं सैलून में, आप करवाइए, आप फुल्ली सेटिस्फाई रहेंगे अंदर से, एकदम फ्रेश फील होगा, और रीजनेबल चार्ज भी है, इसलिए मेरे हिसाब से मेरे लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं है, फुल्ली सेटिस्फाई। अब अपने दोस्तों को रेकमेंड भी करते हैं क्या? मैं अपने दोस्तों को भी कहता हूँ, और अगर कहीं पर बात होती है इसी तरह भी अननोन पर्सन से तो मैं इनका मशवरा करता हूँ कि आप एक बार संतोष सैलून में जाकर शेविंग या हेयर कटिंग करवा कर देखें, आप खुद जो है एडवर्टीजमेंट करने लगेंगे दूसरों तक। एक डेढ़ साल से कितना सेटिस्फाइड है, कितना अच्छा लगता है, किस तरह से मैंने ऐसा लगता है कभी कि संतोष अच्छा से नहीं काटा, ऐसा तो कुछ नहीं है, अच्छे से काटते हैं। बाल कटिंग, दाढ़ी कटिंग।